उम्या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मांबे करेंगे कल्याण। स्वागत है आपका आज के गुडलक में। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके समक्ष किस्मत के सितारों की चाल बताने वाला शो लेकर। आज हम आपको बताएंगे आपकी राशि में क्या कुछ छुपा है, साथ ही किन उपायों को करकर आप अपनी मुश्किलों को परिवर्तित स्थिति में ला सकते हैं, दरकिनार कर सकते हैं और हर्षोल्लास पूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं इस खास शो में मां अम्बे करेंगी कल्याण। और आप भी व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप जान सकते हैं अपनी राशि का हाल तो फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी समस्या का, अपने डिटेल्स का, जो भी आप जानना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके गुडलक को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बस आप स्क्रीन के साथ अपनी नजर जोड़कर बैठ जाइए और हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मां अम्बे करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते हैं खास विषय की, यानी राशियों की मूवमेंट के अनुसार से आपकी कुंडली के हिसाब से हम आपको बताएंगे किस राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। पहले से जान लीजिए दिन आरंभ हो रहा है और अपने जीवन में कल्याण को का वास करा लीजिए। मां अम्बे करेंगी कल्याण। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार संपत्ति खरीद फरोख्त में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं, सौदे होते दिखाई दे रहे हैं। यदि कोई आ रहा है तो बात कर लीजिए, कल्याण होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन की बात भी चलती दिखाई दे रही है, आगे कोई योजना बन सकती है। घर में दीपक अवश्य जलाएं, घी का, तेल का नहीं। रविवार का दिन है, घी का दीपक जलाने से कल्याण के शुभ योग बन सकते हैं। और नहाते वक्त एक काम कर लीजिए, थोड़ा सा इत्र डाल लीजिए। कहा गया सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, खसखस डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सर्दी का जो है मौसम है उसमें ये उपाय कर लेने से कल्याण के योग बनेंगे। मां अम्बे करेंगी कल्याण। आपके भी कोई प्रश्न है तो मैं तुरंत आपको दोबारा याद दिलवा दूं, इस कार्यक्रम में हम ये लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके प्रश्नों का समाधान भी दे रहे हैं। व्हाट्सअप करिए और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम आपको देंगे। अपने मैसेज को भेजिए जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर। आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज आ गया है व्हाट्सएप पे विराज जी का, विराज उत्पल जी का मैसेज है। जान लेते हैं क्या जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली हमारे समक्ष है विराज जी, हमने कुंडली देखी, पता चलता है पढ़ाई में विराज जी का मन थोड़ा कम लगता है। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए वो आगे बढ़ चुके हैं लेकिन पढ़ाई लेकर मन में घबराहट होती रहती है। और विराज जी आप कोशिश ये करें, जो आप जानना चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में सफल हो पाएंगे नहीं, तो आपकी समस्याओं को सामना आपको जो करना पड़ रहा है वो स्थिति आपको खास तौर पर उसका उपाय करने चाहिए। उपाय नोट करने, जो भी बाकी लोग सब लोग भी देख रहे हैं उनके साथ भी यदि ये मन में घटित चल रहा है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो आपको उसका उपाय कर लेना चाहिए। देखिए गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, जब भी बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं होते तब ये समस्या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में दिक्कत आती है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उसका उपाय है। शास्त्र में हर चीज़ का उपाय बताया गया है। केसर आपके घर में विद्यमान होगा, केसर का सेवन, केसर का तिलक, मैं कहूँगा 41 दिन लगातार, बीच बीच में साल में 3 या 4 बार ऐसा कल्प कर लिया करें। देखिए धीरे धीरे यदि जीवन में समस्या है तो हर व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, किसी को इसका दोष नहीं लगेगा। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपको उपाय बता रहा हूं उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। बात कर लेते हैं राशि नंबर 2 वृक राशि वालों की। वृक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा दिन जान लीजिए। मां अम्बे करेंगी कल्याण। आज व्यवसाय ठीक चलता दिखाई दे रहा है, आपकी आकर्षक छवि से मनचाहा परिणाम आप ले सकते हैं, इसलिए मन को प्रसन्न रखें। आज रिश्तेदारों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। किसी दिव्यांग व्यक्ति को गेहूं का दान करने का प्रयास करें, मंदिर में मसूर की दाल का दान करें, मां अम्बे का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कल्याण होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आज आपके लिए निवेश करना शुभ दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल शुभ दिखाई देता है, कोई ऑफर आ रहा हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, देखकर एक्सेप्ट करें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहता दिखाई दे रहा है, संतान का सहयोग आपको मिलेगा। एक छोटा सा उपाय करें, देखिए आज जीवन में आगे बढ़ने के लिए तांबे का सिक्का घर में मिल जाएगा, उसको पानी में डाल के उबाल लें और फिर उस पानी को सेवन करें, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और आज जीवन में आगे बढ़ने के प्राप्त करेंगे। आज भगवान शिव को प्रणाम जरूर कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जब माँ भगवान शिव को प्रणाम कर लेते हैं तो महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो माँ अम्बे करेंगी कल्याण, उपाय करें लाभ होगा। राशियों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस की। एक मैसेज आ गया है और फरीदाबाद से आया है प्रदीप जी का।
प्रदीप जी, आपकी कुंडली हमने देखी, देखने से पता चलता है कि आपकी कुंडली में शनि मंगल का टकराव है और आप शेयर का व्यापार करना चाहते हैं। तो मैं तमाम लोग जो ऐसा काम करते हैं उसको भी नोट कर लेना चाहिए, शनि मंगल का जब भी कुंडली में टकराव हो तो खास तौर पे असावधानी हटी और दुर्घटना घटी ऐसा योग बना रहता है, कभी तख्ता कभी तखत। तो ऐसे सट्टे वाले काम, ऐसे रिस्क वाले काम ऐसे ग्रह योगों को नहीं करना चाहिए। मैं कहूँगा इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, और यदि चले गए हैं इसके अंदर तो शनि और मंगल दोनों का उपाय करें। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लें, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः, ओम हं हनुमतये नमः, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जप करें, शनि और मंगल दोनों प्रसन्न होंगे, हनुमान जी के आशीर्वाद से कल्याण के योग बनेंगे। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। अब आगे बढ़ते से बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। माँ का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, आपकी आर्थिक उन्नति होने के अद्भुत योग आज बनते दिखाई दे रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। उपाय एक छोटा सा कर लें, गुड़ का दान करें, पौष का महीना है, सर्दी चल रही है, गुड़ का दान करें, कल्याण होगा, सामने वाले को भी मीठा प्राप्त होगा और आपको भी मीठा फल मिलेगा। साथ ही आप एक बात जान लीजिए, आप भी जानना चाहते हैं आपकी परेशानी का हल, तो नंबर आपके सामने है, शो आपके लिए रोज विद्यमान है, तो उठाइए फोन, व्हाट्सअप करिए, हम प्रयास करेंगे आपकी परेशानी को दूर करने का। मामले करेंगी कल्याण। सिंह राशि वालों, आपके जीवन में क्या लिखा है जान लीजिए, आपकी राशि के अनुसार से आज क्या होता दिखाई दे रहा है। माँ का आशीर्वाद मिलने के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, मानसिक उतार चढ़ाव मंत्र रहने के दिखाई देते हैं योग, दुविधा आपको हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए और सावधानी से लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन अच्छा चलता दिखाई दे रहा है, थोड़ा पानी में केसर डाल के, एक बाल केसर का डाल लीजिए या हल्दी डाल लीजिए, उसे शिवलिंग को अर्पित कीजिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ अम्बे करेंगी कल्याण। अब बात कर लेते कन्या राशि वालों की। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जीविका क्षेत्र में प्रगति होने के योग दिखाई देते हैं, आय निश्चित तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही है, शिक्षा में प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो चल रहे हैं उसमें आपको अच्छा फल प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल अर्पित करें, उनको अर्घ दें, एक लाल फूल डालकर थोड़ा सा मीठा डाल लें, माँ अम्बे करेंगी कल्याण। राशियों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं पलवल से आए व्हाट्सएप मैसेज की। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है पीयूष जी ने। पीयूष जी, आपके प्रश्न के अनुसार से मैं आपको निदान दे रहा हूं, कुंडली आपकी बता रही है कि विदेश जाने की प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी इच्छा अभी पूरी नहीं हो पा रही है, कारोबार को लेकर भी इनका मन किसी जगह अटकाव में है और साथ साथ टिकता नहीं है एक जगह में, और खास तौर पर जिन लोगों के तमाम और लोग भी देख रहे हैं उनकी भी ये समस्या है कि किसी कार्य में अटकाव रहता है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, बाहर जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो आपके पास अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए एक उपाय नोट कर लीजिए, ये रूहानी उपाय है और बहुत अद्भुत प्रकार से काम करता है। कुछ छोटे सिक्के अपने पास रख लिया कीजिए, गाड़ी में रख लीजिए, जिम में रख लीजिए, और जब भी कभी शमशान के आसपास से निकलना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उस हाथ में लेकर अपनी इच्छा का ध्यान करते हुए उसको अंदर फेंक दीजिए, सिद्ध करके अंदर फेंक दीजिए बाहर से ही दीवार के उस खोटे सिक्के को, कुछ दिन ये उपाय करके देखेंगे कि आपकी जो मन की परेशानी है धीरे धीरे दूर होती चली जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सातवीं राशि तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से पारिवारिक जीवन सुखमय रहता दिखाई दे रहा है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहता दिखाई दे रहा है, किसी महिला अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, आज आपको अवश्य सूर्य का मंत्र जप करते हुए और ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग सह सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, माँ अम्बे का आशीर्वाद आपको मिलेगा। नंबर बात कर लेते हैं आठ राशि वृश्चिक राशि वालों, क्या कुछ लिखा है आपकी किस्मत में जान लीजिए। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। जी हाँ, माँ अम्बे का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो कल्याण ही कल्याण है, और आपकी राशि के अनुसार से आपको माँ अम्बे के आशीर्वाद की जरूरत है। अपनी कीमती वस्तुओं को उठा के रखें, किसी प्रियजन व्यक्ति से अचानक भेंट होती दिखाई दे रही है, निजी संबंध प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं, परेशानी को दूर करने के लिए सुबह सुबह नमक का दान कर दीजिए और नमक आज कम खाइए, आपकी राशि से यही दिखाई दे रहा है, अवॉइड करें आधे दिन तो कल्याण होगा, माँ अम्बे का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही आप सब लोग भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, लोग मैसेज भेज रहे हैं, तो आप क्यों दूर रहते हैं, आप क्यों वंचित रहते हैं, उठाइए फोन, नंबर आपके समक्ष दिखाया है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए मैसेज और जवाब हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। अब बात कर लेते हैं राशि नंबर 9 धनु राशि वालों की।
मां अम्बे करेंगी कल्याण। धनु राशि वालों, आपकी राशि साफ साफ दिखा दी है कि आज दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अपने आप वो राह छोड़ देंगे। आज निर्द्वेष होकर आगे बढ़े। आज कारोबार में निवेश आपके लिए शुभ दिखाई देता है, लाभप्रद दिखाई देता है। पुराने मित्रों से भेंट होने के योग दिखाई देते हैं। बस एक बात से सावधान रहिएगा, नारंगी या पीले वस्त्र आज ना धारण करें, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। माँ अम्बे आपका कल्याण करें, यह आशीर्वाद। बाकी तीन राशि रह गई, उनसे बात करने से पहले बात कर लेते हैं आपके मैसेज के। अभी व्हाट्सएप मैसेज के बारे में बात कर रहा था, दिल्ली से एक मैसेज आया है कविता जी का। कविता जी, आपकी कुंडली बता रही है कि पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक संबंधों में कुछ तनाव रहता दिखाई दे रहा है। पति पत्नी दोनों के विचार आपस में बनते नहीं है। अरे भैया, जब साथ में रहना है तो विचार मिलाने का प्रयास कीजिए ना, हम भी पता नहीं किस विडंबना में फंस जाते हैं। घर की स्थिति, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है और कई बार बहुत सारे जगह जीवन में इस प्रकार की घटनाएं बन जाती हैं। एक उपाय बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस परेशानी से ग्रसित होंगे। एक उपाय है, मैं कहूँगा टूटता है ऐसा, करके देखा है कल्याण करता है, आप भी कर लीजिए। हर मंगलवार को जब घर में ऐसी स्थिति हो तो मंगलवार में हनुमान जी के मंदिर में जाकर जलेबी का भोग लगा दिया कीजिए। जब भी जीवन में ऐसी समस्या आए, जाए हनुमान जी का पाठ करें और जलेबी का, गरम गरम जलेबी का भोग हनुमान जी के चरणों में लगा दें, देखें परेशानी दूर होगी। जैसे जलेबी की मिठाई का स्वाद होता है मीठा मीठा, वैसे ही प्रेम संबंध प्रगाढ़ होगा। माँ अम्बे करेंगी कल्याण, माँ अम्बे करेंगी कल्याण। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहते दिखाई दे रहे हैं। जरूरत से ज्यादा आज जज्बाती होना आपके काम बिगाड़ सकता है, इसलिए बैलेंस होकर चले, समदर्शित्व रहते हुए चले। समय की पाबंदी का खासतौर पर ध्यान रखें। समय के अनुसार से डिसिप्लिन के हिसाब से काम करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग सकते हैं। भगवान सूर्य का स्मरण करें, आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो सूर्य को अर्घ दें, ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। माँ अम्बे करेंगी कल्याण, माँ अम्बे करेंगी कल्याण। बात कर लेते हैं राशि नंबर 11 कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को उच्च अधिकारी बॉस से प्रसन्नता मिलती दिखाई दे रही है, वो प्रसन्न रहेंगे आपके। निवेश जो शेयर मार्केट में करना चाहते हैं वो भी अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा उपाय करें, पिता का, गुरु का, बड़े व्यक्ति का पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए, कल्याण होगा और आगे बढ़ने के योग बनेंगे। माँ अम्बे का आशीर्वाद भी मिल जाएगा, इससे बड़ा कौन सा उपाय। आपकी कुंडली का भी हाल बड़ा विचित्र हो सकता है, मन में प्रश्न चल रहे होंगे, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, चिंता ना कीजिए, उठाइए फोन, नंबर मिलाइए और आपको हमको व्हाट्सअप कर दीजिए और निदान हम आपको देने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, व्यवसाय ठीक चलता दिखाई दे रहा है। आज मान सम्मान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। भगवान सूर्य को गुड़ डालकर, थोड़े से पात्र में ताम्र पत्र में गुड़ डालकर अर्घ दें और लाभ होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके तेज में वृद्धि होगी और माँ अम्बे करेंगी कल्याण। और अब शो खत्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले बात कर लेते हैं आज के शुभ शकुन की। शकुन कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूं आज बता रहा हूं एक शुभ शकुन के बारे में। घर से बाहर निकलने से पहले यदि किसी व्यक्ति को सूरजमुखी का पुष्प दिखाई दे जाए तो बड़ा शुभ होता है। मैं कहूंगा एक तस्वीर लगा रख लें, घर से बाहर निकलने से पहले सूरजमुखी का पुष्प ही आपको दिखाई दे तो अब भगवान की कृपा से, भगवान सूर्य की कृपा से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब आ गया योग का सेक्शन। जी हाँ, करें योग, रहें निरोग। तो आज बात कर लेते हैं योग के अंतर्गत वज्रासन की। देखिए, ये एक योग का ऐसा आसन है कि जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। तमाम बहुत सारे आसन हैं, गठिया, पीलिया, पेट की गैस, अपच, इन सबको ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है चलता। और खास तौर पे ज्योतिष में भी इसका बहुत बढ़िया संबंध है। जब शनि खराब चल रहा हो तो इस आसन का ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। तो कोशिश ये करें, जैसा आपको मोदी जी करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन के अंदर, वैसा आप अवश्य किया करें। थोड़ी देर घुटने मुड़कर बैठ, शास्त्र कहता है भोजनांते शतपथम गच्छेत, यदि या तो 100 कदम चलें नहीं तो भोजन के बाद इस आसन में बैठ जाइए, आपका खाना ऐसा पच जाएगा जिसका हाजमा आपका लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, ऐसा हाजमा आपको प्राप्त हो जाएगा और शरीर वज्र के समान बन जाएगा। अब समय आ गया है कार्यक्रम में एक विशेष मुद्रा का जानने का। देखिए, बीच की दोनों उंगलियों को जोड़कर अंगूठे के साथ ये अपान मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा को कर लेने से शरीर नेचुरल वे में शुद्ध हो जाता है। जिनको कब्ज की बीमारी है, पेट साफ नहीं होता, जिनको यूरिन खुल के नहीं आता है, पसीना खुल के नहीं आता है, शरीर के अंदर विजातीय द्रव्य भरे रहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए।
बहुत जबरदस्त मुद्रा है। पहली दोनों अंगूठे के साथ बीच की दोनों उंगलियों को इस प्रकार लगाने से ये मुद्रा बन जाती है, इसको अपान मुद्रा कहा जाता है। करिए, बहुत बढ़िया मुद्रा आपको नेचुरल वे में गैस, एसिडिटी और बहुत सारी चीज़ों से निजात दिलाएगी, लाभ आपको प्राप्त होगा। अब चलते चलते बात कर लेते हैं हेल्दी टिप्स के बारे में। गिलोय एक ऐसी चीज है जो घर हर जगह अमृता कहा जाता है, इसको अमृता कहा जाता है, हर जगह विद्यमान होती है, एक टहनी से ही उत्पन्न होकर हो जाती है। तो गिलोय को उंगली के बराबर, देखिए गिलोय लेने का तरीका है, कम से कम इतनी मोटी गिलोय होनी चाहिए उंगली के बराबर की, उसको लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लें और फिर उसको पानी में उबाल लें, 2 गिलास पानी लें, जब आधा गिलास रह जाए तब उसका पानी थोड़ा सा ठंडा करके जिससे आप चाय की तरह उसको पी लें। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि हजार बीमारियों का एक उपाय है गिलोय। तो छोटी छोटी गिलोय की औषधि घर में आप रखें, आपको लाभ प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि स्वस्थ भारत का निर्माण हो, हम कोविड को दूर भगा कर निकाल दें, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए इस बात को करें, हर रोज़ गिलोय का सेवन करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ये तमाम चीज़ें आपने जानी, कोशिश करते हैं आपको हर रोज़ नई बातें बताएं जिससे आपके जीवन में कल्याण हो। माँ भगवती का आशीर्वाद आपके साथ सब हमेशा विद्यमान रहे। माँ अम्बे करेंगे कल्याण। इसके साथ ही शोक में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर आएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, राशियों का हाल बताएंगे, किस्मत को बदलने का तरीका बताएंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। माँ अम्बे करेंगी कल्याण। नमस्कार।